Then our next topic is S and P blocks in the periodic table. Basically, valence shell ke according, valence sub shell ke according, hum elements ko periodic table mein two classified mein hum inko classify karte hain into four blocks. That on the basis of valence sub shell, elements in the periodic table can also be classified into four blocks. Elements of group 1a and group 2a contain their valence electrons in S sub shell. Therefore, these elements are called S block elements. बेसिकली हम वैलेंस शेल के अकॉर्डिंग हम इनको डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासिफाइड करते हैं. अब हमारे पास जो ग्रुप 1a और ग्रुप 2a के एलिमेंट्स हैं जिनमें हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास एस सब शेल में प्रेजेंट हैं, देयरफॉर ये एलिमेंट्स हमारे पास एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं. इसी तरह हमारे पास द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 3a टू 8a एक्सेप्ट हीलियम आर नोन एज पी ब्लॉक एलिमेंट्स बिकॉज देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लाई इन पी सब शेल. नेक्स्ट हमारे पास, क्योंकि हमारे पास ग्रुप 1a और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हमारे पास एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं, क्योंकि उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स उनके एस सब शेल में प्रेजेंट होते हैं. इसी तरह अगर हम फर्दर ऑन मूव करते हैं तो हमारे पास जो एलिमेंट्स ग्रुप 3a और 8a के एक्सेप्ट हीलियम के, तो उसमें हमारे पास वो बेसिकली हमारे पास क्या कहलाते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं, क्योंकि इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास पी सब शेल में प्रेजेंट होते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एंड पोजिशन ऑफ एन एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल. You can determine the valence shell electronic configuration of an element from its position in the periodic table. Basically, हम valence shell electronic configuration जो किसी भी element की है, हम उसकी हम उसको accommodate कर सकते हैं, उसको हम determine कर सकते हैं उसकी position के according के उसकी क्या position है periodic table में. Period number of element indicate n value of valence shell. जो हमारे पास period number है element का, वो हमारे पास n value जो valence shell की है उसको indicate करता है. Whereas group number of element indicate the number of electrons in the valence shell. Basically हमारे पास जो group number है element का, वो हमारे पास जितने भी हमारे पास valence shell में जितने भी number of electrons हैं उनको indicate करता है. Then our next topic is shape of the periodic table. इसमें basically elements are arranged in order of increasing atomic number. First period contain only two elements, hydrogen and helium. Both these elements have valence electrons in K shell. बेसिकली एलिमेंट्स प्रोडिक टेबल में डिफरेंट एलिमेंट्स जिनको हम अरेंज करते हैं उनको उनकी बेसिकली जो सीक्वेंस होती है हम इनको इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग हम इनको अरेंज करते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स को प्रोडिक टेबल में. अब हमारे पास फर्स्ट पीरियड को अगर हम देखें तो उसमें हमारे पास टू एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं जिसमें हमारे पास हाइड्रोजन और हीलियम है. हम दोनों आपके पास जो एलिमेंट्स हैं इसमें हमारे पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो हमारे पास के शेल है, और के शेल में हमारे पास दो से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट नहीं कर सकता. एज के शेल इज कम्प्लीटेड एट एच ई सो द पीरियड आल्सो एंड एट एच ई, क्योंकि हमारे पास के शेल हमारे पास हीलियम के ऊपर आके कम्प्लीट कर देता है के शेल अपना, इसलिए हमारे पास जो पीरियड है वो भी हमारे पास हीलियम पे एंड हो जाता है. Then next one is lithium atomic number 3 has one electron in L shell, so second period begins with lithium. ठीक है, हमारे पास अब सेकंड लिथियम है, हमारे पास लिथियम का एटॉमिक नंबर हमारे पास 3 है और इसमें हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन एल शेल में प्रेजेंट होता है. सो हमारा जो सेकंड पीरियड है वो हमारे पास लिथियम से स्टार्ट होगा. सिंस एल शेल कैन अकोमोडेट 8 इलेक्ट्रॉन्स, सो 8 एलिमेंट्स कम इन द सेकंड पीरियड, क्योंकि एल शेल में हमारे पास हर शेल में ये एक खास एबिलिटी है, एक खास कैपेसिटी है कि अपने अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकता है. जैसे हमारे पास के शेल है, अब उसमें ये एबिलिटी है, ये एकोमोडेशन है कि वो अपने अंदर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट कर सकता है. इसी तरह एल शेल में ये एबिलिटी है कि वो अपने अंदर सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट कर सकता है, और 8 एलिमेंट्स हमारे पास फिर इसमें सेकेंड पीरियड से स्टार्ट होंगे. सेकेंड पीरियड एंड्स एट नियॉन विच हैज 8 इलेक्ट्रॉन इन एन शेल. फिर हमारे पास सेकेंड पीरियड हमारे पास नियॉन पे एंड करेगा जिसमें हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है एल शेल में. Next element NA has valence electron in the third shell M shell.
In sodium, valence electron is present in 3 subshell which has similar electronic configuration as lithium, so it comes under Li. Magnesium with 3s2 valence shell electronic configuration come under beryllium. Similarly, next 6 elements Al, Si, P, S, Cl and Ar on the basis of similar valence shell electronic configuration come under B, C, N, O, F and N, E respectively. Ar has 3s2, 3p6 valence shell configuration similar to neon and 2s2, 2p6. अब बेसिकली अगर हम नेक्स्ट स्टार्ट करें तो हमारे पास सोडियम है. अब सोडियम हमारे पास थर्ड वेलेंस इलेक्ट्रॉन के थर्ड शेल एम शेल में आता है. अब आपके पास सोडियम जो वेलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 3s सब शेल में प्रेजेंट है और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हमारे पास सिमिलर है एज कंपेयर टू लिथियम. सो अगर हम लिथियम से नीचे आए तो हमारे पास मैग्नीशियम है. मैग्नीशियम अब हमारे पास उसका वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हमारे पास बेरिलियम के अकॉर्डिंग है 2s2. सिमिलरली जो हमारे पास नेक्स्ट 6 एलिमेंट्स हैं उनको उनके भी अगर हम उनको देखें तो उसमें भी हमारे पास वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हमारे पास डिफरेंट अदर एलिमेंट्स हैं. जैसे हमारे पास बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, नियॉन है, आर्गन है, ठीक है. इनके अकॉर्डिंग हमारे पास वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक configuration आएगी. In this way, the elements having similar valence shell configuration comes in the same group. ठीक है, इसके according अगर हम देखें तो ऐसे elements जिनका valence shell configuration हमारे पास similar है वो हमारे पास same group में यानी कि एक ही group में present होंगे. And the arrangement of the elements into period has an important consequence. The elements that have similar properties end up in the same group in the periodic table. अब हमारे पास अरेंजमेंट एलिमेंट्स की पीरियड में, ठीक है, बेसिकली हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है और एलिमेंट्स जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज हैं वो हमारे पास सेम ग्रुप्स में आते हैं पीरियोडिक टेबल में. यानी कि ऐसी एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर प्रॉपर्टीज हैं उनको हम पीरियोडिक टेबल में एक ही ग्रुप में अरेंज आउट करते हैं.